हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश खनवानी। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज किया जाता है, मतलब किस तरह से बुक्स में हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो चीजें पहले आपको मालूम होनी चाहिए। एक है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और दूसरा है नोट टू अकाउंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। और ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो ये फॉर्मेट आपके सामने बने हुए हैं, ये आपको याद रहने चाहिए बहुत ही अच्छे से। आप सबसे पहले देखिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिख रहा है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट का एक हिस्सा, पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल एक हिस्सा जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि शेयर कैपिटल कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में चार कॉलम दिखाई दे रहे हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बट इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, चार कॉलम्स हो गए। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर एक और हेडिंग है जिसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आपका जितना भी शेयर कैपिटल रहेगा वो हम यहाँ पे करंट ईयर वाले कॉलम में यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल आया कहाँ से, इसकी पूरी जानकारी देनी है। तो वो जानकारी कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी नोट टू अकाउंट्स में, और वो कौन से नोट टू अकाउंट्स में है, तो उसका नंबर यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। मान लो नोट टू अकाउंट जो है वो नंबर 2 में पूरी जानकारी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 2। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, रेफर नोट नंबर 2। तो अब नोट नंबर 2 में जाएंगे तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी कि अमाउंट कहाँ से आया। ठीक है, तो ये आ गया आपका नोट टू अकाउंट्स। तो हालांकि आपको बनाना पहले नोट टू अकाउंट्स है, और नोट टू अकाउंट्स बनाने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सीधा सीधा खाली आपको शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आ जाते हैं कि नोट टू अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट और तीसरा अमाउंट। ये अमाउंट कुछ नहीं बल्कि डिटेल है, ठीक है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है ये वाला कॉलम आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितने कॉलम्स आएंगे, तीन। बैलेंस शीट में कितने हैं, चार। कौन कौन से, पहला पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर, चौथा प्रीवियस ईयर। नोट टू अकाउंट्स के कितने कॉलम्स हैं, तीन, पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट। ये अमाउंट ऑप्शनल रहता है, मगर इससे वर्किंग जो है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो जो भी वर्किंग होगी हम इस कॉलम में करते हैं, तो वो नीट एंड क्लीन दिखता है, इसलिए ये कॉलम हम बनाते हैं, और कोई इसका यूज नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहला आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, जितना कोई कंपनी, एक कंपनी रेस कर सकती है, उसको हम आमतौर पर बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इश्यूड कैपिटल किसको बोलते हैं, जितना कि हम अभी इश्यू कर रहे हैं, दैट इज योर इश्यूड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड, और दूसरा बोलता है सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो कि फुली पेड है, ठीक है, और यहाँ पे जो फुली पेड नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बनाना नोट टू अकाउंट से, ध्यान रखिएगा। हाँ, कपूर लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख।
चलो एक चीज तो हमको सबसे पहले मिल गई कि हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है। हमारा ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपए का एक शेयर है, 2 लाख रुपए है, तो कितना हो जाता है 20,000। तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है, ये हो गया 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। द कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर्स। अब ध्यान देना है, कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है, मतलब इशू कर रही है कितने, 1 लाख रुपए के शेयर। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम इशू कितना कर रहे हैं, 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये हो गया आपका इशू कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2 per share, ₹4 per share व पेबल ईच ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो मतलब 2, 4, 4, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपका अलॉटमेंट और ये आपका फर्स्ट कॉल, ठीक है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट, ठीक है, एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द कंपनी डिड नॉट मेक दी फाइनल कॉल, मतलब ध्यान दीजिए कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है। हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, हम बैलेंस शीट इस पॉइंट पे बना रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे बना रहे हैं, मतलब आपको पूरे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो मतलब आप यहाँ पे दो कैटेगरी दिखाई दे रही है, एक फुल्ली पेड और एक बोलता है बट नॉट फुल्ली पेड, तो आप किस में मेंशन करेंगे, नॉट फुली पेड। खाली बात समझ में, क्यों, क्योंकि भाई पूरे पैसे नहीं मिले ना, पूरे पैसे हमने मांगे ही नहीं है, तो मिलेंगे कहां से, ठीक है। हमने अभी, हमको बैलेंस शीट कब बनानी है, बोलता है कंपनी डिड नॉट मेक दी फाइनल कॉल, शो दी शेयर कैपिटल, तो अभी फाइनल कॉल करने से पहले ही हमको बोला जा रहा है कि आप बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं इस पॉइंट पे, तो हमने अभी पूरे पैसे मांगे ही नहीं है, तो हमने कितने पैसे मांगे हैं, हमने केवल और केवल 6 रुपए मांगे हैं, ठीक है, कितने शेयर्स पे, कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, 10,000, तो ये क्या बोलता है, द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, 10,000 हमने इशू किए और पब्लिक ने 10,000 ले भी लिए, ठीक है। अमाउंट वॉज पेबल 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए व पेबल ईच ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, एक व्यक्ति ने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। अब आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, पहली बात तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे जब हमने पूरे पैसे मांगे हैं और हमको मिले हैं, तो वो किस में आएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड में आएंगे, और यहाँ पे पूरे नहीं मांगे हैं, मांगे ही नहीं है तो मिले ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये शेयर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इधर आएंगे। मगर एक बात अब आपको याद रखनी है, वो क्या, वो ये है कि हम जब यहाँ पे शेयर लिखेंगे तो 10,000 नहीं लिखेंगे। बात आती है कि 10,000 क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें से 100 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को आप अलग कर देंगे, मतलब हमारे शेयर तो 10,000 हैं जो कि सब्सक्राइब हुए हैं, उसमें से 100 कर दो अलग, तो बाकी बचे कितने, 9,900, फॉरफिटेड को हमेशा रिमूव करेंगे आप, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 9,900 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है,
10, ये हो गया ईच, यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज 6 कॉल्ड अप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9900 शेयर्स पे हमने 6 रुपीज पर शेयर कॉल किया है और हमको मिल भी गया है ना। 9900 शेयर पे हमने कॉल भी किया है और हमको मिल भी गया है, तो हम लिखेंगे 9900 * 6 कितना हो जाता है, 59400। कितना? 59400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 59400। ठीक है, अब ये जो 100 शेयर फॉरफिट किए हैं उसका अमाउंट किया जाता है ऐड, तो हम लिखेंगे ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। आई बात समझ में? क्या करना है, 100 शेयर जो आपने अलग किए थे ना, उनको फिर फाइनली यहाँ पे क्या करना है, उनको अलग से दिखाना है, क्योंकि आप पूरी डिटेल बता रहे हैं। तो 9900 शेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें से कोई भी फॉरफिटेड शेयर नहीं है, फॉरफिटेड को अलग दिखाओ, नॉन फॉरफिटेड को अलग दिखाओ। तो 9900 का हो गया 6 रुपीज कॉल्ड अप, हो गया 59400, और फॉरफिटेड शेयर्स को हमको ऐड करना है। ठीक है, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 100, तो ये हो जाएगा 100 आपका इनटू, आपको मिला कितना है बताइए जरा। इन शेयर्स पे ध्यान देंगे हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे बोलता है शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, मतलब उसने क्या दिया है, केवल और केवल एप्लीकेशन। तो 100 * 2 कितना मिला है, 200, तो 200 रुपए इसको ऐड करेंगे, तो ऑल टुगेदर कितना हो गया, ये हो गया 59600। ठीक है, क्लियर है? अब आपने क्या करना है, ये शेयर कैपिटल जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना है 59600। क्लियर? बिल्कुल आसान है। क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर को रिमूव किया और जितना भी हमने कॉल किया है उससे मल्टीप्लाई किया। 9900 पे कितना हमने मांगा है, 6, तो उससे मल्टीप्लाई किया और ऐड क्या कर दिया, फॉरफिटेड शेयर्स। डन, क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो इसको अभी आप नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, मेहता लिमिटेड वॉज फाउंड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये क्या कहलाता है आपका, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, आउट ऑफ दीज 2,000 इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड टू वेंडर्स एज फुल्ली पेड एज परचेस कंसिडरेशन फॉर अ फिक्स एसेट एक्वायर्ड। हमने क्या किया, 2,000 शेयर्स हमने एक वेंडर को दिया और उन 2,000 शेयर्स के बदले में हमको क्या मिला, फिक्स एसेट मिला। ठीक है, आगे बोलता है 6,000 इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक एंड द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, द डायरेक्टर्स कॉल्ड रुपीज 6 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर अमाउंट एक्सेप्ट द कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स आउट ऑफ विच 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं इशूड पे, हम इशू कितना कर रहे हैं। आप देखो, 2,000 इशू कर रहे हो आप वेंडर को और 6,000 इशू कर रहे हो आप पब्लिक को, तो ऑल टुगेदर कितना इश्यू कर रहे हैं आप, 8,000। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 8,000 * 10, ये हो गया आपका 80,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, अब ध्यान दें,
अब 2000 शेयर्स हैं वेंडर को दिए हमने, और इसके बदले में अब कुछ भी हमें लेना बाकी नहीं है। और 6000 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे हमने केवल अभी 6 रुपए मांगा है, ठीक है। तो अब ध्यान दें, सब्सक्राइब, अब यहाँ पे आपको दो कैटेगरी दिखा दे रही हैं, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड। दोनों का मतलब क्या है समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड में आएगा आपका वो शेयर्स जिसपे कि आप पूरा कॉल कर चुके हैं, और सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड में आएगा जिसमें हमने पूरा अभी तक मांगा नहीं है। आई एम रिपीटिंग, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड में क्या आएगा, जिसमें आप पूरा मांग चुके हैं, और इसमें क्या आएगा, जिसमें अभी तक आपने पूरा नहीं मांगा है। तो यहाँ पे आएगा फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है, यहाँ पे आएगा फुल्ली कॉल्ड अप, इसपे अब कुछ भी बाकी नहीं है, और यहाँ पे आएगा नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आपका इश्यूड कितना है, ध्यान देना, हाँ? आपका इश्यूड है 8000। अब इस 8000 में 2000 शेयर्स ऐसे हैं जो कि फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप है, ठीक है, और 6000 शेयर्स ऐसे हैं जो कि फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है। तो ये जो फुल्ली कॉल्ड अप है वो इधर आएंगे, और जो नॉट फुल्ली कॉल्ड अप है वो इधर आएंगे। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ध्यान देना, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड फॉर अदर देन क्या कैश ना, ₹10 ईच इश्यूड फॉर अदर देन कैश। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पहले अमाउंट लिख देते हैं अपन, कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हमारे शेयर्स कितने हैं, 6000, ध्यान देना। अब एक नियम आपने याद रखना है, क्या नियम याद रखना है, कि यदि इन शेयर्स में से कुछ शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए हैं तो उसको अलग कर दो। यहाँ पे देखिए 500 शेयर्स पे कॉल से नरियस हुआ है, देखो आप अच्छे से पढ़ो, दी डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹6 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर अमाउंट एक्सेप्ट अ कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स आउट ऑफ विच 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड। 500 शेयर्स पे क्या हो गया, कॉल से नरियस हुआ, उसमें से 200 शेयर्स हमने कर दिए फॉरफिट, तो 200 शेयर्स जो फॉरफिट किए हैं उसको यहाँ से रिमूव कर दो आप, तो बाकी बचे कितने, 5800 शेयर। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है 5800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ₹6 कॉल्ड अप, कितना कॉल किया है, 6 रुपए। अब आपने क्या करना है, 5800 × 6, क्योंकि बाकी तो अभी तो हमने कॉल ही नहीं किया है, बाकी जो 4 रुपए है, तो हम कितना लिखेंगे, 5800 × 6, तो ये हो जाता है 34,800, वो इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ये कॉलम बेसिकली आपका वर्किंग का कॉलम है, ठीक है, समझ में आई बात। क्या किया मैंने यहाँ पे, फॉरफिटेड शेयर्स को रिमूव कर दिया, तो आपने यही करना है, फॉरफिटेड शेयर्स को रिमूव करना है, ये फॉरफिटेड शेयर्स, बाकी बचे कितने, 5800, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अब करना है लेस, क्या लेस करना है, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, ठीक है। कॉल इन अरियर्स कितने शेयर्स पे है, अब आप बोलेंगे अरे सर कॉल इन अरियर्स 500 शेयर्स पे है, आपका कहना बिल्कुल सही है, 500 शेयर्स पे ही कॉल इन अरियर्स है, मगर ध्यान रहे इसमें से 200 शेयर्स तो हमने फॉरफिट कर दिए, 200 शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, ध्यान से देखो आप लोग,
ये 500 शेयर्स जो हैं इसमें से 200 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, और जब फॉरफिट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है याद है आपको? बताइए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स, पहले जब आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रिएट करते हो तो कॉल्स इन अरियर्स क्या करते हो, डेबिट करते हो कि नहीं? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, याद होगा आपको है ना? तो ये डेबिट करते हैं हम, और यहाँ पे क्या कर दिया अभी, क्रेडिट कर दिया। तो कॉल्स इन अरियर्स तो क्या हो गया, खत्म हो गया। कॉल्स इन अरियर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फॉरफीचर करने के बाद कॉल्स इन अरियर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसका जो फॉरफिटेड शेयर है उसका कॉल्स इन अरियर्स अभी आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, आपने शेयर कितने शेयर पे आपका कॉल्स इन अरियर्स है, 500, मगर उस 500 में से 200 शेयर तो फॉरफिट कर दिए ना, तो उसका कॉल्स इन अरियर्स कर दो आप अलग। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचे 300 शेयर। तो आपको इन 300 शेयर का कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे घटाना है, कितना है, ये है 300 इंटू कितना हो जाता है पर शेयर कॉल्स इन अरियर्स, कितना है आपने मांगा है, 6, 6 में से 2 नहीं मिला है, कितना नहीं मिला, 2 रुपए पर शेयर नहीं मिला, सॉरी 2 रुपए पर शेयर नहीं मिला, तो कितना हो गया, 600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 रुपए क्या माइनस, क्लियर है ये? अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स को ऐड करना है, फॉरफिटेड शेयर्स को क्या करना है, ऐड करना है। फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं बताइए, फॉरफिटेड शेयर्स हैं 200, और 200 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 200 इंटू कितना है, 4। फिर बोल रहा हूं कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 200, 200 में मांगे कितने थे पर शेयर आपने, 6, उसमें से मिला कितना, 4, तो ये 4 रुपए पर शेयर आपने कर दिया फॉरफिट। तो 200 इंटू 4 दैट इज 800, तो ये हो गया 800, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे आप, ये हो जाएगा 35,000, ठीक है, 35,000। तो ऑल टुगेदर इट वुड बिकम हाउ मच, ऑल टुगेदर इट वुड बिकम 55,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 55,000। आई बात समझ में क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ एकदम अच्छे से ध्यान देके सुनना। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला काम ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है वो लिख दिया। उसके बाद आप आइए इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या करना है, जितना हम इशू कर रहे हैं किसी को भी, पब्लिक को, वेंडर को, डायरेक्टर को, सिग्नेटरीज को, किसी को भी इशू कर रहे हैं ना, है ना, वो आ जाएगा आपका इशूड कैपिटल में, वेरी सिंपल। अब आइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 हिस्से हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में वो शेयर्स आप लिखेंगे जो कि फुली कॉल्ड अप है, कॉल भी कर दिया और दे भी दिया, फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप है ना, तो फुली कॉल्ड अप है, तो फुली कॉल्ड अप किधर आ जाएगा आपका, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। यहाँ पे इस केस में 2,000 शेयर ऐसे हैं जो कि हम वेंडर्स को दे रहे हैं, तो फुली पेड अप ही है ना, उसमें भले पैसे नहीं दिए उन्होंने, क्या दे दिया आपको, बिल्डिंग या फिक्स एसेट व्हाटएवर कुछ भी दे दिया, तो उसमें कुछ भी लेना बाकी नहीं है, कुछ भी हमने मांगना बाकी नहीं है, तो वो आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 2,000 इंटू 10 दैट इज 20,000, क्लियर है? अब आ जाइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड, उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम जो भी शेयर जिस पे कि हमने अभी तक पूरा कॉल किया ही नहीं है ना, कॉल नहीं किया तो मिला भी नहीं, तो वहां पे आ जाएगा ये, जिसमें कि क्वेश्चन में बोल रहा है हमने कितना मांगा है, 6 रुपए पर शेयर मांगा है,
6,600 पे। अगर पूरा मांग लिया होता तो फिर वो किधर आ जाता, वो आ जाता सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आ जाता। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये 6,000 वैसे तो हमको लिखना चाहिए 6,000 × 6, मगर अब एक चीज हमको यहाँ पे और दी हुई है क्वेश्चन में कि इसमें से 500 शेयर्स पे कॉल से नरियत था, है ना, और उन 500 शेयर्स में से भी 200 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो हम 200 शेयर्स क्या कर देंगे, 6,000 शेयर्स में से फॉरफिटेड शेयर्स को कर देंगे माइनस, तो बाकी बचा 5,800। अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते कि सर बताइए अगर इसी क्वेश्चन में अगर फॉरफिटेड नहीं होता तो क्या करते, तो हम कितने शेयर्स लिखते। बहुत अच्छा सवाल है आपका, अगर फॉरफिटेड नहीं होता तो हम 6,000 ही लिखते। ठीक है, फॉरफिटेड है तो हमने कितना लिखा, 5,800। क्यों, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स को अलग किया जाएगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 5,800 × जितना अभी हमने कॉल किया है, कितना कॉल किया है, 6 रुपए पर शेयर, तो कितना आ जाता है, 34,800। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने जो भी कॉल से नरियत है, फॉरफिटेड शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरफिटेड को आप अलग करो, अभी फॉरफिटेड शेयर नहीं, है ना, फॉरफिटेड को छोड़ के जो भी हमारा कॉल से नरियत है वो आप घटाइए। यहाँ पे फॉरफिटेड को छोड़ के हमारा कॉल से नरियत कितने शेयर्स पे है, 300 शेयर्स पे, वैसे तो पूरा 500 पे है, फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 200 हैं, उनको अलग कर दो तो बचते हैं 300। 300 × कितना है हमारा कॉल से नरियत, 6 हमने मांगा था जिसमें से 4 मिल गया, 2 नहीं मिला, तो 2 हमारा कॉल से नरियत है, तो 300 × 2 कितना हुआ, 600। 600 आप घटा दो। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स को करना पड़ेगा ऐड, जितना भी पैसा आपने पब्लिक से छीना है उसको कीजिए ऐड। कितना आपने पब्लिक से पैसे फॉरफिट किए हैं, दैट इज 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पे कितना पर शेयर, 4 रुपए, तो 200 × 4 कितना होता है, 800। बस इसको जोड़ा कितना आ गया, 35,000। क्लियर है, चलिए इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोलता है क्वेश्चन, खन्ना लिमिटेड वॉज फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹70 लाख डिवाइडेड इनटू 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी अलॉटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुल्ली पेड टू द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुल्ली पेड टू दी वेंडर्स अगेंस्ट दी परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, 10,000 हमने सिग्नेटरीज को दे दिया, 5,000 हमने दे दिया वेंडर्स को परचेज ऑफ बिल्डिंग के लिए, एंड ऑफर्ड 5,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। चल एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप लिखो क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारा ₹70 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, उसके बाद दी कंपनी अलॉटेड है 10,000 शेयर्स, 5,000 ये 10 और 5 ये हमने दे दिए, और 5,50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं पब्लिक को, तो हमारा इशूड कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान दें, है ना, 5,50,000 पब्लिक को, 5,000 और 10,000 ये सिग्नेटरीज को, 10,000, 5,000 वेंडर्स को, तो हो गया 5,65,000 शेयर्स। ठीक है ना, 5,65,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाता है 56,50,000। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये इशू किया, ये इशू किया, ये इशू किया, और द इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 और बाकी कॉल पे कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 और ये हो गया 2। ठीक है, द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द
ठीक है, मतलब ये शेयर्स हैं, ये फुली कॉल्ड अप नहीं है, ये तो समझ में आ गया, कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर। दी पब्लिक अप्लाइड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑन 1,000 शेयर्स विच वर फॉरफिटेड। अब ध्यान देना है ना, अब हमारे पूरे शेयर्स तो हैं 5,65,000 है ना, हम इश्यू कर रहे हैं, मगर पब्लिक लेने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक कितने ले रही है? पब्लिक ले रही है 5 लाख, यहाँ पे ले लिया पब्लिक ने, ठीक है, और यहाँ पे 15,000 हमने दे दिया सिग्नेटरीज को और वेंडर को। तो ये तो आपके फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप हो गए, मगर ये आपके फुली कॉल्ड अप नहीं है, देखो, क्योंकि इसमें बोला है द कंपनी डिड नॉट मेक एनी कॉल ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे हो जाता है 5, 3, 2, तो हमने कॉल केवल इतना किया है, ये अभी हमने कॉल ही नहीं किया है। तो हमने कितना मांगा है? 8 रुपए मांगा है, बराबर है। तो ये 15,000 किधर आएगा? ये 15,000 आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड में आ जाएगा, ठीक है। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड फॉर अदर देन कैश, ठीक है, फॉर अदर देन कैश। तो कितना हो जाएगा? 15,000 × 10, ये हो गया 1,50,000, बराबर है। अब बाकी आता है यहाँ पे, है ना, तो हमने हमने कॉल अभी पूरा नहीं किया है, आगे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मनी ऑन 1,000 शेयर्स व्हिच वर फॉरफिटेड। गेटिंग माय पॉइंट, इसमें से हमने कितने शेयर थे? 5 लाख, इसमें से 1,000 कर दिए फॉरफिट। क्या बताया मैंने आपको अभी अभी? फॉरफिटेड को कर दो अलग, तो बाकी बचे कितने? 4,99,000 शेयर, है कि नहीं? तो 4,99,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मगर कॉल्ड अप कितना है? ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 कॉल्ड अप। तो 4,99,000, 4,99,000 × 8 कितना हो जाएगा? 39,92,000, कितना? 39,92,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 39 और 92 यहाँ पे, ठीक है, 39,92,000, ठीक है। अब 1,000 जो शेयर फॉरफिट किए हैं उस पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे कॉल सिनेरियस किसी भी शेयर पे नहीं है, क्योंकि जितने भी शेयर थे कॉल सिनेरियस वाले, उनको क्या कर दिया आपने? उनको आपने फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट कर दिया, तो कॉल सिनेरियस खत्म हो गया वहीं पे, है ना। अब क्या बचा? फॉरफिटेड शेयर, तो ऐड क्या करते हैं यहाँ पे? हम फॉरफिटेड शेयर को करते हैं ऐड, तो ऐड हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर कितना? 1,000 × अब यहाँ पे देखो कि क्या हुआ है, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मनी ऑन 1,000 शेयर्स व्हिच वर फॉरफिटेड। तो उसने क्या दिया है? केवल ये दिया, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो 1,000 × 5 कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा 39,97,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 0,00,47,41, ठीक है, ये आपका टोटल है। तो हम शेयर कैपिटल में यहाँ पे लिख देंगे 41,47,000। इज इट क्लियर? समझ में आया? इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम।
देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोलता है। तलवार लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 70 लाख डिवाइडेड इनटू 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द कंपनी अलॉटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एज फुल्ली पेड टू द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एज फुल्ली पेड टू द वेंडर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड ऑफर्ड 5,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर। चलो तो ये तो पिछले प्रश्न जैसा ही है ना। ये आपका इशूड, ये इशूड, ये इशूड। एक काम करते हैं, ऑथराइज सबसे पहले लिख लेते हैं। ये ऑथराइज हो गया आपका 70 लाख, और ये हो गया 56 लाख एंड 50,000 है ना। यहाँ पे हम डिटेल डाल देंगे, आप 7 लाख है ना इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। और यहाँ पे 5 लाख एंड 65,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 5 15। चलो आगे देख लेते क्या बोलता है। ऑन एप्लीकेशन 5 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलो यहाँ पे प्रीमियम आ गया अलॉटमेंट के साथ। और ऑन कॉल बैलेंस, ठीक है, दी कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर। तो अगेन सेम कहानी है, ये 5, ये 4 और ये 2 फुली कॉल्ड अप नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, ये 10 और 5 तो फुली कॉल्ड एंड पेड है, तो इनको हम अलग लिख देते हैं। 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच है ना। इशूड क्या लिखेंगे बताइए, इशूड फॉर, ये सब चीजें आपको अच्छे से बननी चाहिए। इशूड फॉर अदर देन क्या, कैश। तो 15,000 × 10 कितना हो जाता है, 1,50,000, बराबर है। अब इसके बाद आते हैं इन पे। तो आगे बोलता है, द कंपनी डिड नॉट मेक कॉल ड्यूरिंग द ईयर, पब्लिक अप्लाइड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मनी ऑन 1,000 शेयर्स व्हिच वर फॉरफिटेड। तो कुल शेयर्स हैं 5 लाख, ठीक है, उसमें से 1,000 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो 1,000 शेयर्स कर दिए फॉरफिट, ये हो गया 4,99,000 शेयर्स। तो हमने यहाँ लिखा 4,99,000 शेयर्स ऑफ रुपीस, हाँ ध्यान देना है, 4,99,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब यहाँ पे कॉल्ड अप कितना लिखोगे आप, अब यहाँ पे 8 लिखोगे कि 9 लिखोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम भी है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रीमियम प्रीमियम में जाएगा, शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, ठीक है। प्रीमियम जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा ना। शेयर हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, शेयर कैपिटल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो है रिजर्व एंड सरप्लस अलग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज 8 कॉउंड अप, ठीक है। तो यहाँ पे 499 × 8, 499 × 8 कितना हो गया, 39,90,000, यहाँ पे लिखते हैं 39,92,000, ठीक है। क्या करते हैं, याद है, एड फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1,000 × 5, कितना हो गया, 5 लाख ऐड किया, तो ये कितना हो गया, 39,97, ठीक है, वो इधर आ जाएगा 39,97, इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा,
41,47,000, ठीक है। यहाँ पे शेयर कैपिटल में तो आपका यही आ जाएगा 41,47,000। अब आप बोलेंगे सर फिर ये प्रीमियम का क्या करेंगे? अरे भाई प्रीमियम भी लिखेंगे ना, वो अलग हेडिंग में जाएगा, वो जाएगा रिजर्व्स एंड एंड सरप्लस, ठीक है। कितना जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना जाएगा आपका? कितने शेयर्स हैं? 4,99,000 शेयर्स हैं, है ना। क्योंकि एक 1,000 शेयर तो फॉरफिट कर दिया ना अपन ने, है ना, और उस पे मिला भी नहीं है प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 4,99,000 जाएगा, ठीक है। समझ में आया? रिजर्व एंड सरप्लस फिर से बताता हूँ, देखो कितने शेयर थे? 5 लाख शेयर थे। 5 लाख शेयर में से, 5 लाख शेयर में से एक शेयर, 1,000 शेयर तो आपने फॉरफिट कर दिए, बाकी बचे 4,99,000, उस पे ये जो प्रीमियम है वो मिल चुका है, 1 रुपया पर शेयर है, तो यहाँ पे लिख दिया, डन, सिंपल है। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में केवल यही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस है ही नहीं, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोलते हैं अगला प्रश्न। टॉम लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हम सीधा सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, 10 रुपए का एक शेयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, ऑल क्लास वर ऑल कॉल्स है, ऑल क्लास नहीं है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर, 500 ऑफ द शेयर्स ऑन व्हिच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड वर फॉरफिटेड, ठीक है। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर। तो सुनो, सबसे पहले तो हमने कितने शेयर इशू किए हैं? 40,000, तो इशूड कैपिटल में कितना आ जाएगा? इशूड कैपिटल में आ जाएगा 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 4 लाख रुपए, बराबर है 4 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे इन 40,000 शेयर्स में से क्या कहानी हुई है, देखो यहाँ पे हम इशू हुआ फुली सब्सक्राइब, ऑल कॉल्स फॉर मेड मतलब फुली कॉल्ड अप है, ऑल कॉल्स फॉर मेड मतलब फुली कॉल्ड अप है, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर, ठीक है। इन 40,000 में से हमने एक तो पहली बार तो पूरा कॉल किया है, तो इधर नहीं आएगा, समझ, इधर आएगा, ठीक है, इधर नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है। सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम पूरे मांग चुके हैं, कितने मांग चुके हैं? पूरा ₹10 मांग चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि इन 40,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर पे क्या हो रहा है? कॉल से नरियस हो रहा है, जिसपे ₹2 पर शेयर नहीं मिला, ये भी क्लियर है। 500 ऑफ दीज शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड वर फॉरफिटेड, तो इसमें से 500 शेयर्स कर देते हैं फॉरफिट, और फॉरफिट करेंगे तो कर देंगे माइनस, तो आपके शेयर बचे कितने? 39,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 39,500 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना, 39,500 ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना? 3,95,000, ठीक है। इसमें हम लेस कर देते हैं क्या? कॉल्स इन अरियर्स, ध्यान देना बहुत अच्छे से,
हमारा जो कॉल सिनेरियस हुआ वो हुआ तो 1,000 में से, मगर 500 तो हो गए फॉरफिट, बाकी बचे कितने 500। तो 500 का कॉल सिनेरियस यहाँ पे घटाएंगे, 500 पे पर शेयर कितना कॉल सिनेरियस से बताइए, 2 रुपए, है ना। देखो ना, वो ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, तो 500 × 2 ये हो गया आपका -1,000। आई बात समझ में, अच्छे से समझ ना। 40,000 शेयर्स पे हमने मांगा था जिसमें से 1,000 पे नहीं मिला, अब उन 1,000 में से 500 कर दिए आपने फॉरफिट, है ना, और 500 पे अभी भी कॉल सिनेरियस है ना। हुआ तो 1,000 शेयर पे, मगर 500 को जैसे ही फॉरफिट किया तो उसका कॉल सिनेरियस तो चला जाता है ना। तो हमने कॉल सिनेरियस को माइनस कर दिया 1,000, और फिर क्या करते हैं बताइए, एड फॉरफिटेड शेयर्स, एड फॉरफिटेड शेयर्स, और फॉरफिटेड शेयर्स को ऐड करेंगे तो 500 × कितना दिया, हमने मांगा था 10, हमें मिला 8, तो × 8 कितना हो गया, 4,000। देखिए देखो, टोटल करके देखिए बराबर है या नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना होगा, 3,98,000। आई बात समझ में, क्लियर है? नहीं समझ में अगर आया तो एक बार फिर से देखो, अगर नहीं आया तो मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, ठीक है, डन है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोलता है जेरी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹70 लाख डिवाइडेड इनटू 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जेरी लिमिटेड अलॉटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड टू द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड टू द वेंडर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड ऑफर्ड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹8 कॉल्ड अप। ठीक है ना, दिमाग में पिक्चर बनते जाना चाहिए कि 10 और 5 कहाँ आएंगे और ये 5 लाख शेयर्स कहाँ पे आना चाहिए, है ना। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले काम करते हैं, ऑथराइज कैपिटल को तो हम लिख दें, दैट इज 70 लाख, ठीक है, और इशूड में भी हम इशू कितना कर रहे हैं, 10, 5 और 5 लाख, तो हो गया 5,15,000 शेयर्स हैं, तो ये हो जाएगा 51,50,000, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये आप लिख लेना, और यहाँ पे 55,15,000 ऐसा ही होगा, 5,15,000। और ये 10 और 5 क्या है, फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो यहाँ हो जाएगा 15,000 शेयर्स ना, ऑफ रुपीज क्या 10 ईच, क्या लिखना है बताइए, इशूड फॉर अदर देन कैश 15,000 × 10, ये हो गया 1,50,000, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पे। अब एक काम करते हैं, 5 लाख, 5 लाख में आगे क्या कहानी है, मिस्टर एक्स हु होल्ड 4,000 शेयर्स हैज नॉट पेड एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन मनी, 2 रुपए पर शेयर के अलावा कुछ भी नहीं दिया उसने, ठीक है। मिस्टर वाई डायरेक्टर ऑफ, ये डायरेक्टर ऑफ जेआरई लिमिटेड, जेरी लिमिटेड हु होल्ड 600 शेयर्स, ही हैज पेड ओनली ₹6 पर शेयर, तो ये डायरेक्टर ने भी के पास 600 शेयर्स थे, उसने केवल 6 रुपए दिए हैं, और जेड हु होल्ड 400 शेयर्स हैज पेड ओनली ₹6 पर, तो
ना तो ये जेरी ने पैसे, जेरी के डायरेक्टर ने पैसे दिए हैं, और ये जेड ने भी पैसे नहीं दिए, और एक्स ने केवल 2 रुपए दिए बस। इन दोनों ने तो फिर भी 6-6 रुपए दिए हैं। 4,000 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर, ये एक्स है, 4,000 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर एक्स वह फॉरफिट है। तो ये वाले शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। टोटल हमारे शेयर्स थे 5 लाख, ठीक है। इन 5 लाख में से आपने फॉरफिट कर दिए 4,000, तो बाकी बचे कितने, 4,96,000। ये बहुत अच्छे से मालूम है आपको, है ना। तो 4,96,000 शेयर्स ऑफ रुपीस, हाँ 10 each, मगर कॉल्ड कितना किया है, रुपीस 8 कॉल्ड अप, है ना, रुपीज 8 यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4,96,000 इंटू 8, ये मैंने कैलकुलेट किया तो आ गया 39,68,000, ठीक है, 39,68,000। अब क्या करना है हमको, अब जो कॉल से नदियत है वो माइनस करना है, मगर इन 4,000 शेयर्स का कॉल से नदियत नहीं इंक्लूड करना। फिर बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि इनको फॉरफिट कर चुके हैं। हर क्वेश्चन में बाद में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। लेस कॉल से अरियर, जो फॉरफिट हो गए उनको भूल जाओ। तो कितने शेयर्स हैं, 600 शेयर्स इसके हैं, 400 शेयर्स इसके हैं, हमने मांगा था 8, दिया है 6, है ना, लिखा ना है, पेड ओनली ₹6 पर शेयर, कॉल्ड अप कितना है 8, तो 6 इन्होंने दिया है, मतलब 2 नहीं दिया है। तो कॉल से नरियस हो जाएगा 1,000 × 2, ठीक है, दोनों को मिला के। तो ये हो गया कितना, 2,000 रुपए कॉल से नरियस। और क्या करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को करना है ऐड, है ना। फॉरफिटेड कितने हैं, 4,000 शेयर्स, और 4,000 पे कितना मिला है हमको, केवल और केवल 2 रुपए पर शेयर। तो ये दो, ये कितना हो गया, 8,000, ठीक है। तो उसका टोटल कितना होगा बताइए जरा, प्लस 8,000 माइनस 2, तो ये हो जाता है 39,74,000, दोनों को मिला के हो जाएगा 41,24,000, ठीक है। यहाँ पे आ गया 41,24,000, डन। समझ में आया, मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है।